हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो बीजेटी के पिछले दो वीडियोस में अपन ने कहां तक देखा था, एक्टिव रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है और रिवर्स एक्टिव क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इनके सर्किट डायग्राम देखे थे। एनपीएन में मेनली करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है, पीएनपी में करंट मेनली होल्स के कारण फ्लो होता है। तो चलिए अब इस सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं अपन, इसमें और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी सीरीज में स्टार्ट करता हूँ तो उनके वीडियोस पिछले वीडियोस से पूरे लिंक होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छे से समझ में आए चीजें तो आप एक सीरीज से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर चीज एक दूसरी चीज से अपनी लिंक है। तो जब आप सीरीज में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह कंटिन्यू वीडियो आगे बनाते रहें तो इन वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस सीरीज में और अपन आगे बढ़ते हैं। बीजेटी की डायोड इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इसका डायोड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर अपन ने अगर लिया, ये कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ये एमिटर टर्मिनल हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक है, इसको आप डायोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एनपी और पीएन, एनपी में आपने ये एन साइड होगी डायोड की, ये पी साइड हो गई, ये पी साइड हो गई और ये एन साइड हो गई, और ये बीच में स्पेस हो गया, बेस हो गया। तो आप अगर सोच रहे हैं कि बीजेटी है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब बेसिकली ये क्या है, तो डायोड है, पीएन डायोड इस साइड है और पीएन डायोड इस साइड है। तो इसको आप डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमिटर साइड में एन की साइड में एन का सिंबल हो गया, पी की साइड में पी का हो गया, यहाँ पर ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये डायोड इक्विवेलेंट सर्किट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप पी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को, पी की साइड में सिंबल पी का हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एन और ये पी का सिंबल हो जाएगा, तो ये पीएनपी का इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। लेकिन अ ट्रांजिस्टर कैन बी रिप्रेजेंट एज टू डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक, दो डायोड आपने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिए। बैक टू बैक कैसे, इसका एन टर्मिनल इसके एन टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका पी टर्मिनल इसके पी टर्मिनल से कनेक्ट है। दो डायोड आप बैक टू बैक कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन टू डायोड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इट कैन नॉट वर्क एज अ ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि डायोड से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, या दो डायोड बैक टू बैक कनेक्ट कर दिए, तो वो एक ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करने लगेगा, ये कभी नहीं होगा, वो ट्रांजिस्टर की तरह कभी बिहेव नहीं करेंगे। भले ही उसका इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांजिस्टर के जैसा बन जाएगा, लेकिन वो दो डायोड जो आपने बैक टू बैक कनेक्ट किए, वो कभी ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देयर इज नो बॉन्डिंग फोर्स इन बिटवीन टू डायोड। आपने जो दो डायोड बैक टू बैक इसमें कनेक्ट तो कर दिए हैं, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स होगा, बॉन्डिंग फोर्स उनके बीच में नहीं है। ये स्पेस आप देख रहे हैं उसमें, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग फोर्स कनेक्ट होता है। एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया, प्रॉपर बॉन्डिंग फोर्स है। लेकिन इनके बीच में आप देख सकते हैं प्रॉपर बॉन्डिंग फोर्स नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक बॉन्डिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड, अगर अपन ने मान के चलिए इनके बीच में डायोड के बीच में बॉन्डिंग फोर्स प्रोवाइड भी कर दिया, देन द बेस विड्थ बिकम वेरी लार्ज। तो आप देख सकते हैं इनकी बेस की जो विड्थ होगी वो भी बहुत ज्यादा है उस टाइम पे, एंड देयरफॉर नो चार्ज कैरियर विल बी रीचिंग द कलेक्टर। जब बेस की विड्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेस की विड्थ अपन क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, एकदम नैरो बेस विड्थ रखते हैं। लेकिन जब बेस की विड्थ अपनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब जो अपना एमिटर टर्मिनल होगा, एमिटर टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो कैरियर्स होंगे, वो आपके बेस तक जाएंगे और बेस में ही कोलैप्स हो जाएंगे, बेस से कलेक्टर तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये अल्टीमेट ट्रांजिस्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो ये जस्ट एक इक्विवेलेंट सर्किट की बात हुई, इसको याद नहीं रखना है आपको, बस एक नॉलेज के लिए बताया मैंने। अब देखते हैं अपन ऑपरेशन की बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर अंडर एक्टिव रीजन। मेनली अपन ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक या हर चीज देखते हैं एक्टिव रीजन में, क्योंकि एक्टिव रीजन में ही ये एक्सीलेंट एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। तो देखते हैं अपन एक्टिव रीजन में एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन। ये आपने कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, ये हो गया आपका एमिटर टर्मिनल, ये हो गया आपका बेस टर्मिनल, ये हो गया आपका कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने क्या बताया था, करंट इज डोमिनेंटली फ्लो बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेनली फ्लो होगा, क्योंकि एन
एन में आपके मेनली क्या होते हैं, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर इसमें कुछ होल्स भी होंगे, तो एक अपन ने होल अज्यूम कर लिया। ये हो गया आपका एन टर्मिनल में माइनॉरिटी कैरियर होल हो गया। बेस की बात करें तो ये है आपका पी, पी में आपके मेजोरिटी कैरियर होल्स होते हैं, तो ये आपने होल्स ले लिए, और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं इसमें। कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर में एन टर्मिनल है, तो मेजोरिटी कैरियर इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी, तो इसमें ये जो होगा आपका एमिटर जंक्शन जेई, एमिटर और बेस के बीच का जो जंक्शन होगा वो जेई होगा, उसको आपने किया फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज आप कैसे करेंगे इसको, फॉरवर्ड बाइज ये कब होगा, जब ये डायोड आपका है, ये जो पी और एन मतलब एमिटर और बेस के बीच का जो डायोड है वो आपका क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइज होना चाहिए। और फॉरवर्ड बाइज कब होगा, जब आप एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल में मेनली होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, और जब आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे या नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे मतलब ये जाएंगे आपके बेस के साइड, पूरे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपने नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया, तो सेम चार्ज करेंगे तो ये रिपल होके बेस के साइड जाएंगे। और बेस की बात करें तो यहाँ पर मेनली होते हैं आपके होल्स, और होल्स पर आपने पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई की, तो होल्स आपके मेनली जाएंगे किस साइड, एमिटर के साइड जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज। अब कलेक्टर जंक्शन की बात करें तो इसको अपन को करना है रिवर्स वाइज, तो रिवर्स वाइज कैसे होगा, इसमें मेनली आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होके आपके पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे, और यहाँ पर आपने बेस टर्मिनल में आपके मेनली होल्स हैं, तो होल्स को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो होल्स आपके यहाँ आएंगे। तो ये जंक्शन कलेक्टर जंक्शन जो है आपका वो होता जाएगा आपका रिवर्स वाइज, और एमिटर जंक्शन होता जाएगा आपका फॉरवर्ड वाइज। अब इसमें आप इनकी डिप्लेशन विड्थ देख सकते हैं, एमिटर जंक्शन आपने फॉरवर्ड वाइज किया तो इसकी जो डिप्लेशन विड्थ होगी, इसकी डिप्लेशन विड्थ कितनी होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में कोई डायोड है तो उसकी डिप्लेशन विड्थ एकदम नैरो होती जाएगी, बहुत नैरो होती जाएगी, या जो डिप्लेशन विड्थ होगी थोड़ी बहुत वो मेनली होगी आपकी बेस रीजन में, क्योंकि मैंने बताया था कि एमिटर आपका बहुत ज्यादा डोपिंग होती है, एमिटर में बहुत ज्यादा कैरियर्स होते हैं, बेस को अपन कम डोप करते हैं, तो आपकी जो डिप्लेशन विड्थ होती है वो मेनली होती है आपकी बेस रीजन में, तो बेस रीजन में आपकी जो डिप्लेशन विड्थ एकदम नैरो होगी, बहुत नैरो होगी, लेकिन मेनली होगी वो बेस रीजन में। अब कलेक्टर जंक्शन की बात करें तो कलेक्टर जंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिप्लेशन विड्थ होगी, ये बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसको अपन ने रिवर्स वाइज कर दिया, ये रिवर्स वाइज की डिप्लेशन विड्थ ज्यादा है, लेकिन मेनली ज्यादा है ये बेस रीजन में, बहुत ज्यादा है डिप्लेशन विड्थ, और कलेक्टर क्योंकि बेस से ज्यादा डोप्ड होता है कलेक्टर, तो उसमें डिप्लेशन विड्थ होगी लेकिन बहुत नैरो होगी, और बेस में इसकी ज्यादा होगी डिप्लेशन विड्थ। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन अपन देखेंगे इसमें। तब जब अपन ने इसमें फॉरवर्ड वाइज अप्लाई किया एमिटर जंक्शन, जो आपके एमिटर जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होके आपके बेस में चले जाएंगे, और बेस में जो आपके होल्स होते हैं उनके साथ रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, उनके साथ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। रिकॉम्बिनेशन मेनली होता क्या है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन आपका एक होल के साथ मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आपका होल के साथ मिलता है तो ये एक प्रॉपर बॉन्ड बना लेते हैं, ये ईडीसी में मैंने आपको बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन बस रिकॉम्बिनेशन आप याद रखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपका होल के साथ मिलता है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, एक प्रॉपर बॉन्ड बना लेते हैं। तब यहाँ पर मेनली मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर पी के मेजोरिटी कैरियर होल से कुछ मिलेंगे तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इसमें, मतलब प्रॉपर बॉन्ड उनके बीच में क्रिएट हो जाएगा, और जो आप देख सकते हैं कि जो मेनली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके, ठीक है, पी टर्मिनल में मानिए एमिटर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं पी टर्मिनल में, ठीक है, अब इसका स्पेस बहुत कम है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर भी आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजोरिटी कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तब डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ के जो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर में डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज्यादा है, और इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफ्यूज होकर सीधे कलेक्टर टर्मिनल में पहुंच जाएंगे, और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू इस साइड आ जाएंगे। तो ये एक एनपीएन की बेसिक वर्किंग हुई एक्टिव रीजन में, और
इसमें एक माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होता है, क्योंकि जो आपने कलेक्टर जंक्शन है उसको आपने रिवर्स वाइज किया, तो इसमें जो एक रूम टेम्परेचर पे एक माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होता है उसको आईसीयू बोलते हैं अपन। ये अपन अभी और आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें अपन ने क्या देखा, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो इनकी करंट की डायरेक्शन होती है, एमिटर की डायरेक्शन आउटसाइड होती है। तो जो मेनली आपकी एमिटर करंट होता है वो होता है आपका बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो एमिटर करंट हो जाएगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, या वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात हो। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमिटर करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है आउटसाइड। इसके सिंबल से भी आप देख सकते हैं, आउटसाइड होगी तो बेस का जो करंट होगा वो इनसाइड होगा और कलेक्टर का इनसाइड होगा, तब आईबी प्लस आईसी इक्वल्स टू आईई। अब इसमें देखिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमिटर करंट की डायरेक्शन अंदर होती है, तब बेस की डायरेक्शन आपकी आउट होगी और कलेक्टर की डायरेक्शन भी आपकी आउट होगी, तब आईई इक्वल्स टू आईबी प्लस आईसी हो जाएगा आपका। लेकिन आप देख सकते हैं कि बेस बहुत नैरो रखते हैं अपन, पीएनपी हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो आईबी इज नेग्लिजिबल। जो बेस करंट होता है वो बहुत कम होता है आईसी और आईई के कंपैरिजन में, तभी तो आपका जो एमिटर करंट होता है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपका आईसी के। मतलब जो मेनली आपका ये कोई ट्रांजिस्टर था आपका, जैसे एमिटर हुआ, ये बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ, तो मेन जो एमिटर का करंट था वो आपका बेस करंट बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो मेन अपन चाहते भी यही है कि मेजोरिटी कैरियर जो एमिटर टर्मिनल के थे वो पूरे कलेक्टर पर पहुंच जाए। तो अपन अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट होता है वो एमिटर करंट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, बेस करंट आपका बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट इंटरनल करंट इज बाइपोलर एंड एक्सटर्नल करंट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जो ट्रांजिस्टर की अपन ने आप पिछला जो ऑपरेशन देखा है इसमें, ये ट्रांजिस्टर था, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सटर्नल करंट है, यहाँ पर एन टर्मिनल कनेक्ट है और यहाँ पर एन टर्मिनल कनेक्ट है। तो एक्सटर्नल में जो फ्लो हो रहा है करंट वो हो रहा है केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो, लेकिन इंटरनल अगर सर्किट देखें अपन, एन पी एन बीच में पी टर्मिनल भी है, तो ये होल्स के कारण भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, होल आपके एमिटर जंक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इंटरनल जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो हो रहा है आपका बाइपोलर, और एक्सटर्नल में करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है केवल, पीएनपी की होती तो एक्सटर्नल में होल के कारण करंट फ्लो होता। तो अपन ने क्या देखा, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर रिकॉम्बिनेशन ऑक्योर इन बेस एंड एमिटर रीजन। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर था उसमें रिकॉम्बिनेशन मेनली हो रहा था आपका कहाँ पर, बेस में और एमिटर रीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये मूव होके आपके बेस में जा रहे थे, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, और यहाँ पर जो आपके होल्स थे वो आ रहे थे आपके एमिटर रीजन में, तो यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेनली रिकॉम्बिनेशन हो रहा था आपका कहाँ पर, एमिटर रीजन में और बेस रीजन में। और अगर यहीं पर आप पीएनपी की बात करें, पीएनपी की अगर ने मान के चलिए कि अपन ने ये लिया पी एन और पी, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको आपने फॉरवर्ड वाइज किया, मतलब ये आपने प्लस दे दिया, ये माइनस दे दिया, इसको आपने रिवर्स वाइज किया तो यहाँ पर आपने माइनस दे दिया और एन में आपने प्लस दे दिया, ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें। तो रिकॉम्बिनेशन मेनली होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपके होल के साथ कंबाइन होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पीएनपी में रिकॉम्बिनेशन होता है मेनली बेस रीजन में, और कलेक्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेनली इसके मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर होते हैं आपके होल होते हैं, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होल से रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो होता है आपका बेस में और कलेक्टर रीजन में। तो ये आपको याद नहीं रखना है इतना, बस आपको ये याद रखना है कि मेनली एनपीएन ट्रांजिस्टर में रिकॉम्बिनेशन होता है आपका कहाँ पर, बेस में और एमिटर जंक्शन में, और अगर पीएनपी की बात करें तो पीएनपी में होता है आपका बेस एंड कलेक्टर रीजन में। तो ठीक है, ये हुई है पीएनपी और एनपीएन की बात। और इन अ ट्रांजिस्टर रिकॉम्बिनेशन ऑक्योर इन बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन। अगर टोटल ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें रिकॉम्बिनेशन आपका बेस में भी होता है, एमिटर में भी और कलेक्टर में भी होता है, तीनों में होता है। द एमिटर इलेक्ट्रॉन विच आर द मेजोरिटी कैरियर, जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो वहां पर मेजोरिटी कैरियर है इन द एमिटर जंक्शन में। व्हेन दे एंटर इनटू द बेस, जैसे अगर ये आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर की ही अगर बात करें अपन, तो ये आपका एन हुआ, ये पी हुआ और ये एन हुआ, तो इसमें मेजोरिटी कैरियर आपके
इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब ये आपके फॉरवर्ड वाइज के आपने इस डायोड को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होके आपके पी में चले जाएंगे। तब पी में आपके क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं मेजोरिटी कैरियर। तो ये जो मेनली इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर पहुंच के आपके क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर। लेकिन इस तरीके से ये मूव हो रहे हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर। इन द एमिटर व्हेन एंटर इनटू द बेस दे बिकम माइनॉरिटी कैरियर। बेस में पहुंच के वो इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी कैरियर की तरह बिहेव करने लगेंगे। एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, उनको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस, एंड दे डिफ्यूज इनटू द कलेक्टर डायरेक्टली। मैंने बताया कि यहाँ पर जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते जाएंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे लेकिन इसका स्पेस बहुत ज्यादा है, इसका स्पेस बहुत कम है, तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएंगे, तो सीधे कलेक्टर जंक्शन में पहुंच जाएंगे। एंड कलेक्टर जंक्शन आपका फिर से एन रीजन है, तो ये फिर से मेजोरिटी कैरियर में बन जाएंगे अपने, ये फिर से क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी कैरियर हो जाएंगे। तो एमिटर करंट इज फॉरवर्ड करंट ऑफ एमिटर डायोड। एमिटर का जो करंट था वो ये डायोड फॉरवर्ड था, तो फॉरवर्ड करंट होता है एमिटर डायोड में। और एमिटर करंट इज द मेजॉरिटी कैरियर करंट एंड डिफ्यूजन करंट। एमिटर का जो करंट होता है वो मेनली होता है मेजॉरिटी कैरियर करंट, क्योंकि सबसे ज्यादा डोप्ड आपका एमिटर ही होता है, तो वो करंट होता है आपका मेजॉरिटी कैरियर करंट। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और इसके अगले वीडियो में आपको और इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इनके ऑपरेशन बताऊंगा। तो ठीक है, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।